अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन के सदस्य अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। सदस्यों का कहना है कि हमारी मांगों को लेकर शासन का रवैया ठीक नहीं है। इसी को लेकर सभी सफाई कामगार मंगलवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। सभी कर्मचारी नगरपालिका कसरावत कार्यालय के सामने हड़ताल पर बैठे। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हमारी हड़ताल जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। क्या मांगे हैं आपकी? मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया है और ये हड़ताल जो 25/7/2023 से चालू है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे मंगललाल जी यहाँ के आह्वान पर हमने 18 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री को दिया है। उसके लिए विनियमितीकरण है, नियमितीकरण है, अनुकंपा है, ठेका पद्धति समाप्त की जाए और सारी 18 मांगों का लेकर अभी तक के हमने जो ज्ञापन दिया 18 साल से हम लोग लड़ रहे हैं इस क्षेत्र में और इस प्रदेश के अंदर हमारी कोई मांगे पूरी नहीं हुई है। अब हमें कड़क कदम उठाना पड़ा। मुख्यमंत्री द्वारा हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल का पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ऐलान कर दिया है और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारी हड़तालें चल रही हैं। हमारे यहाँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष मगनलाल जी झाड़ ने पूर्ण रूप से ये बता दिया गया कि जब तक हमारी मांगे नहीं होगी पूरी, जब तक हम हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। जो भी मांगे हैं हमारी 18 सूत्रीय मांगे में हमको जल्दी से जल्दी दिया जाए ताकि हम हमारे सभी कामगारों को लाभ दिला सके। ये मांगे नहीं मानी गई तो अगला कदम ये हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बिल्कुल जाएंगे और आंदोलन करेंगे, धरना देंगे और इससे बड़ा आंदोलन भी और इससे बड़ा आंदोलन होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करीम खान, प्रदेश संयुक्त मंत्री अखिल भारतीय सफाई मजदूर ट्रेड यूनियन 72 भोपाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।